आई थिंक आपने जो प्रोडक्शन भी की होगी उससे आपको बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ी होंगी क्योंकि यूजुअली यू आर एट द यू आर द एक्टर सेइंग कि यू नो बिल्कुल दिस टाइम अराउंड यू आर द वन डीलिंग विद द एक्टर्स बीइंग लाइक हां हां फिरोज जो आप चाहे हो जाएगा हां हां सोनिया बिल्कुल हम वही करेंगे वही डेट्स पे काम करेंगे जिन पे आप सो यू नीड योर वर्ड्स देन एग्जैक्टली लेकिन गुड्डी में मैंने आपका काम देखा उर्वा यू हैव डन सच अ ग्रेट जॉब एंड द थिंग दैट आई हैव रियली बीन इंप्रेस्ड विद इस दर आप जो अदा लाई है ना गुड्डी के कैरेक्टर में जो आप मतलब जो एक वो चुलबुली सी भी है लेकिन स्ट्रांग भी है तो ये आपने इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम योर रोल इन उडारी तो जब आप सेट पे जाने से पहले बिफोर योर फर्स्ट डे आपने कोई खुद बैठ के आपने अपने आप को कैसे इन्विजन किया कि आप गुड्डी कैसे करेंगे अच्छा मैम इसके बारे में मज़े की बात बताती हूँ मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी इस कैरेक्टर के बारे में मुझे लग रहा था कि मैं ये इतना अच्छा कैरेक्टर है जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा जी कि मैं इसके साथ जस्टिस नहीं करूँगी और ये पूरे चैनल का दिमाग ख़राब हो गया है पता नहीं मुझे क्यों रखना चाहते हैं इस रोल में दे शुड गेट समबडी एल्स इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं और ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और इसकी इतनी लेयर्स हैं एंड यू नो तो पहले दिन तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी अच्छा उस वक्त मेरा वो वाला फेज भी चल रहा था जब मैं प्रोडक्शन से आई थी जी और एक नहायत मजदूरी होती है प्रोडक्शन एंड अब रोज़ कोई ना कोई मुश्किलें भी आती हैं एंड यू हैव टू गेट थ्रू देम द शो मस्ट गो ऑन आप रुक नहीं सकते तो आपको उस वक्त जो जो कुछ भी फील हो रहा होता है ना यू फॉरगेट अबाउट एंड यू हैव टू गो ऑन तो मुझे लगा कि उसके बाद मेरे पे एक फेज़ आया वेयर आई थॉट यार अच्छा ठीक कर लिए लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता मुझे तो ना एक्टिंग आती है ना मुझे एक एक डाउनर में थी मैं सडनली पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप थोड़ा बेहतर हो गए तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग भूल गई है क्योंकि वो इतना हार्डवर्क कह लें या सही जिस प्रोसेस में आपको रगड़ा लगता है ना कि कुछ आपको समझ एकदम से आप नए आपके ऊपर ना जैसे तराशना नहीं होता किसी चीज़ को कि आप चेंज हो जाते हो एक प्रोसेस के बाद बिल्कुल यू बिकम अ न्यू पर्सन यू इमर्ज्ड एज अ न्यू पर्सन एंड देन यू लाइक पीछे मुझे जो कुछ आता था वो मुझे भूल गया बट ऑल्सो आपका जो मसल एक्सरसाइज नहीं हो रहा इतना ज्यादा मतलब हो रहा है तो यू नो इट्स लाइक यू आर आउट ऑफ टच यू गो टू द जिम एंड यू आर लाइक व्हाट ये फ्लैब आप 6 महीने से नहीं जाओगे तो फ्लैब तो आएगा आई नो सो आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट पॉइंट और फिर इतना अच्छा कैरेक्टर हो तो आप डर जाते हो थोड़ा कि यार अच्छा ये ऐसे ही बाय द वे नहीं गुजर जाएगा लोगों की नजरों से ये दिखेगा चाहे अच्छा करो या बुरा करो ये दिखेगा और पूरी टीम ही ऐसी थी जो दिखने वाली थी बिल्कुल तो आई वॉज रियली कोल्ड फीट मैंने एहसन तालिश को कह दिया कि मैं नहीं कर सकती ये और हम दूसरा तीसरा दिन था शूटिंग का एंड आई टोल्ड हिम मैं उनको ऑप्शंस दे रही हूँ अच्छा ये एक्टर देख लेंगे कितना अच्छा करेगी और ये कितना अच्छा करेगी मैं प्रोडक्शन बनी हुई हूँ ना उनके साथ आप अभी तक कास्टिंग में हेल्प कर रही हूँ कि अच्छा ये देखिए आई हैव अ लिस्ट ऑफ गर्ल्स हु आई थिंक वुड प्ले दिस कैरेक्टर रियली नाइस एंड ही इज लाइक लिसन टू मी सो आई थिंक ही हैड टू मतलब मेरे साथ वो एक ऐसे प्रोसेस से गुजरे जहाँ वो सॉर्ट ऑफ मेरी काउंसलिंग भी कर रहे थे कि उर्वा शट अप एंड रिमेंबर दैट उर्वा हु यूज्ड टू एक्ट हु यूज्ड टू लव एक्टिंग और फिर मुझे लगा कि मुश्क आल्सो काइंड ऑफ पुल्ड मी बैक इनटू एक्टिंग तो अब मुझे फिर से दुर्दाना में दुर्दाना का भी रोल आपका हालांकि इतना बड़ा कोई रोल नहीं था बट इट बिकेम द आइकॉनिक रोल ऑफ दैट फिल्म तो उर्वा मतलब माशाल्लाह व्हेन यू डू गेट आउट देयर ऑन द स्टेज देन यू आर कंप्लीटली अनडॉन्टेड आई एम grateful and I'm glad that people like it and appreciate it but I think us waqt karte hue aapko na pata hota hai na aap kuch bhi aisa soch thoda sa to pata hota hai not at all matlab durdana mera durdana ki puri film mein ab aapko bhi shock lagne wala hai jab main apne doston ko ye batati hu to unko bhi lag jata hai 7 scenes the ha maine wohi kaha na aur film 70 80 scenes ki film hoti hai sometimes 100 also and she just had 7 scenes or maybe 8ish and that's about it so obviously aap nahi aap ye soch rahe hote aap bas theek hai aap ja ke apna kaam karte ho ki acha mera aise karne ko dil cha raha hai and I would you know so I think it's again durdana had my heart in it yeah I really wanted to play her you could tell so I think jab bhi most of my choices have my heart in them and I think all of them sort of matlab main apne dil ke alawa kisi मतलब दिमाग मेरा बाद में आता है मुझे लगता है मैं दिल से आपको लगता है ये प्रिविलेज है क्योंकि काफ़ी लोग मतलब अपना घर चलाती काफ़ी लड़कियां अपना घर भी चलाती हैं तो वो शायद कहती हैं जो उन लोगों से मैंने बात की है वो कहते हैं कि नहीं करना पड़ता है कभी कभी शिटी काम भी करना पड़ता है क्योंकि घर चलाना है तो आपके लिए मुख्तलिफ है ये थोड़ा सा नहीं मुझे लगता है एक तो मेरी
लाइफ में, मतलब मुझे लगता है कि मैं जब नहीं भी कुछ कर रही, या मतलब सब पे आते हैं टफ टाइम्स, ऐसा नहीं है, बट मुझसे वो काम होता ही नहीं है. तो अगर मुझे लगता है मेरी लाइफ में वैसी नीड्स बहुत कम है. अच्छा, तो मैं चलती रहती हूँ. बट ठीक है, मतलब सिंपल सा खा लिया, सिंपल सा पहन लिया, एक सिंपल लाइफ स्टाइल है. ये बात मुझे नहीं पता थी. सो या दैट्स मी. वाओ, तो मुझे लगता है कि हो जाता है मेरा गुजारा. अच्छा, बट आई वुड रादर डू समथिंग दैट इज एक्साइटिंग, यू नो, जिसमें मेरा दिल है. वो करके फिर जो मजा है, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट मीरा, तो यू कैन नॉट गो द अदर वे अराउंड. आई एग्री. आपसे होता ही नहीं है. बिल्कुल. जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और प्रोजेक्ट्स या आपकी चॉइसेस उसके तरह से होती हैं, फिर आपको वो जो उसमें जो मजा है वो फिर आप मिस करते हो ना. फिर आपसे होता नहीं. आई थिंक मुझसे नहीं होता. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरा ये केस है फॉर श्योर. तो जब आप अगर बीमार हो और सेट पे जाना हो और फिर 12 घंटे हमारा काम होता है, तो उर्वा क्या आप सेल्फ टॉक आपकी क्या होती है? हाउ डू यू प्रेप योर सेल्फ? मेरी सेल्फ टॉक कि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला. गो एंड डू योर बेस्ट. शट अप. या एंड या आई हैव टू गिव इट टू माय सेल्फ सम टाइम्स. अच्छा, क्या टायर्ड, व्हाट, क्या थकन है, क्या प्रॉब्लम है, यू नो. एंड समटाइम्स यू हैव सो मेनी पीपल वुड किल टू बी इन योर पोजीशन, यू नो उर्वा. आई मीन, no, it's true. So many young actresses. Where you are today, mashallah, you have one of the highest social media followings. You do the top lead roles in all the dramas. So it's a very, mashallah, it's a very, very enviable. I mean, I'm blessed. Enviable. I think I'm blessed. And also, Meera, मुझे लगता है कि no matter what you do, if you work hard every single day, और आप mindful होके ये करें, जी, you will get somewhere. मतलब इसमें कोई doubt नहीं है. मुझे ऐसा लगता है. And if you feel कि अच्छा, आप सब कुछ ऑटो पे हो जाएगा, and you don't have to work hard, take it easy. I think मैं एक भी दिन अपने काम को या अपने जो भी जगह है जी जिस पे मैं हूँ, which is, you know, it's a part of the journey. I don't know where I'm gonna be, but मैं उसको for granted नहीं लेती. मैं ले ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों. So I think that's one of the self-talks also. कि नहीं 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 नहीं, फॉर ग्रांटेड तो लेना ही नहीं है किसी चीज़ को भी. सही. सो आई मीन, इफ यू लाइक दैट, तो चीज़ें बेहतर हो जाती है. आपकी जो अम्मा हैं, मुझे लगता है मैंने मावरा से बड़ी बातें की, और मुझे लगता है कि शी इज़ द सेंटर पीस ऑफ योर लाइफ. एब्सोल्युटली. एंड ऑफ मावरा. एब्सोल्युटली. तो जो रज़िया आंटी हैं, वो क्या किस किस्म की खातून है? बिकॉज आई हैव सीन हर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया. मैं सिडनी नहीं गई, इंशाल्लाह जाऊंगी तो मिलूंगी उनसे. हाँ. But what makes her take, and what kind of upbringing did she give you? She was my inspiration all throughout my life, and I think she's, matlab, one of my first friends also. Yeah. And maybe I would say, I mean, अगर मैं ये भी ना देखूँ ना कि अच्छा मेरी माँ है, अगर मैं उनको एक individual की तरह देखूँ, she is an inspiration. Like the way she has dealt with life and how she takes her decisions and how she's brought us up and the kind of difficulties that she had, I think uska aadha bhi hum seekh jaye na to kuch aur hi ho jaye, you know what I mean? Yeah. So itne lessons hain unke har din mein ki wo hi agar hum puri tarah seekh le to mujhe maa se zyada wo ek aisa insaan lagti hai that I look up to. Jab aap ghabrati hain to aapko kya advice deti hain wo? She has always, और मैं ये भूलती भी नहीं हूँ कि give up नहीं करना. आप actually तब हारेंगे जब आप give up कर देंगे. So get up again, try again. Get up again, try again. So I think if you keep doing that, eventually you do succeed at whatever you're trying to do. Yeah. तो I think मैंने अम्मा के actions में भी ये देखा है throughout her life. She doesn't give up on relationships or work or whatever is happening around. She wouldn't give up. चाहे कभी ऐसा भी होता है ना यार, अंडरस्टैंडिंग्स होती है, किसी को आपकी बात समझ नहीं आ रही होती. शी इज सो पेशेंट एंड शी इज काइंड एंड शी वोंट गिव अप एंड शी इज नॉट, शी वुड नेवर क्रिब अबाउट एनीथिंग. मतलब उनकी कोई शिकायत ही नहीं है. तो मतलब ये जो मैंने मावरा से भी ये बात की कि जो आपकी फिर नानो होंगी, ये लाइन होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन वो उठी और वो ऐसी बन गई. उनकी जो अपनी परवरिश हुई होगी अपने घर में, बिल्कुल, आई एम श्योर. स्ट्रांग वुमेन, यू नो, स्ट्रांग वुमेन, इट्स अ लाइन. आई थिंक यू
जो आप देखते हो वही आप फिर बन जाते हो। I'm glad कि मैं उस लाइन में हूँ।